खरगोन जिले के बरभा थाने के आगरवाड़ा गांव में एक बुजुर्ग पिता ने अपने ही बेटे के पेट में चाकू घोंपकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चरित्र शंका के चलते माता पिता के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे बेटे की अपने पिता से बहस हुई। पिता ने अपने बेटे को विवाद होने पर हत्या कर दी। खून से सने कपड़े में 77 वर्षीय पिता करीबन 5 किलोमीटर पैदल चलकर बरभा थाने पहुंचा। इधर बेटे ने बरभा अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बरभा पुलिस ने मां की शिकायत पर अपने पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। सूचना मिलते ही दल बल के साथ बरभा टीआई जगदीश गोयल गाँव पहुंचे हैं और पुलिस अब पूरे मामले की विवेचना कर रही है। टीआई जगदीश गोयल ने बताया है कि आरोपी पिता छतर सिंह अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका कर रहे थे। दोनों के बीच विवाद हुआ और उस दौरान आरोपी का छोटा बेटा 40 वर्षीय राकेश पहुंचा, मां का पक्ष लेकर समझाने लगा। पिता बेटे में बहस मारपीट हुई, तब्दील हो गई और उसके बाद मौका पाकर छतर सिंह ने राकेश के पेट में चाकू घोंप दिया। छतर सिंह सोते समय चाकू अपने बिस्तर के तकिए के नीचे रखकर ही सोता था। तकिए के नीचे से चाकू निकालकर बेटे पर अचानक वार किया। बेटा राकेश को संभलने का मौका नहीं मिला। घटना के बाद छतर सिंह की पत्नी कुसुमबाई ने बरभा पुलिस थाने पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कुसुमबाई ने बताया है कि छतर सिंह मुझ पर शंका कर रहा था। सुबह भी जब विवाद हो रहा था तो मेरे बेटे राकेश ने खिड़की से झांककर मुझे खुद के घर लाने के लिए कहा। जब वह दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो रहा था तो छतर सिंह दरवाजे के पीछे छुप गया। जैसे ही राकेश दरवाजे से अंदर आया उसने चाकू को कुसुमबाई उम्र 65 साल है, इनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि आज दिनांक करीब 11:30 बजे इनके पति छतर सिंह, जिनकी उम्र 77 वर्ष है, इनके ऊपर चरित्र का लांछन लगा रहे थे और इनके साथ मारपीट कर रहे थे। उसी समय इनका लड़का रूप सिंह और राकेश आया, उसने दोनों के बीच में सुलह करने की कोशिश की और पिता को बोला कि तुम माँ के संबंध में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, और उनको दूर किया। इतने में पिता ने आक्रोश में आकर के तकिए के नीचे चाकू रखता था उनका पिता छतर सिंह, उसने चाकू उठाया और इसके पेट में मार दिया कि तो बार बार अपनी माँ की साइड लेता है। और उसको जब लोगों ने आसपास सुना कि झगड़ा हो रहा है उसको लेकर हॉस्पिटल में आया, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। सर बताया जा रहा है कि आरोपी पैदल यहाँ बड़वा थाने पहुँचा। आरोपी आया था अपनी रिपोर्ट करने के लिए, जब उसको पूरी देखा गया तो उसको हॉस्पिटल में हमने, वो खुद भी घायल था, उसको हॉस्पिटल पहले पहुँचाया। हॉस्पिटल जा कर के देखा तो वहाँ उनका पुत्र भी था जिसको गांव के लोग लेकर आए थे। तब जा कर के ये पूरा मामला पता चला कि इनके द्वारा ही अपने पुत्र की हत्या कर दी गई। सर आरोपी को भी हाथ में कटा हुआ है, तो इसके पर घटना के पहले दोनों का विवाद हुआ था क्या, झगड़ा? अभी ये तो हमने प्राथमिकी दर्ज की है, ये पूरे अभी जांच रिपोर्ट में विवेचना करने पर पता चलेगा कि उसको कहां से चोट लगी है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया, अभी मामला पंजीबद्ध।